नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फुल प्रिपरेशन अड्डा में। दोस्तों आज हम जीके जीएस के वो क्वेश्चन जो रेलवे एनटीपीसी 2016-17 के एग्जाम में पूछे गए हैं उसके जीके जीएस क्वेश्चन हम करने वाले हैं। दोस्तों उसका आज सातवां भाग लेकर मैं आप लोग सामने आया हूँ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये आपके आने वाले एग्जाम चाहे वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के हो, चाहे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के हों, या एसएससी के कोई भी एग्जामिनेशन हो, सीजीएल, सीसीएसएल, एमटीएस या बैंकिंग के सेक्टर्स के हों, स्टेट में कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्वेश्चन आपकी हेल्प जरूर करने वाले हैं। दोस्तों फिर चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आपके पहला ऑप्शन है मॉस्को, दूसरा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क और तीसरा लंदन, चौथा पेरिस। दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने अपना चूज कर लिए होंगे। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पेरिस में दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है हवा के परागण को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन से पहला हाइड्रोफोली, दूसरा पोनोलीफोली, तीसरा एनिमोफोली और चौथा हर्बोफिली। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने अपना चूज कर लिए होंगे। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एनिमोफिली। अगला क्वेश्चन है शब्द टी किस खेल से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन से पहला हॉकी, दूसरा पोलो, तीसरा गोल्फ और चौथा बैडमिंटन। सभी लोगों ने अपना चूज कर लिए होंगे। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पोलो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा बंकिम चंद चटर्जी, तीसरा मोहम्मद इकबाल, चौथा चित्रगुप्त। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने अपना चूज कर लिए होंगे। दोस्तों इसका सही आंसर है जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो ऑप्शन नंबर 2, बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा था। और दोस्तों ये सबसे पहले प्रकाशित हुई थी एक बंगाली उपन्यास है आनंद मठ, उसमें। और दोस्तों जो हमारे राष्ट्रीय गान है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने बंगाल का भी, जो बांग्लादेश का है, उसका राष्ट्रीय गान लिखा है? तो दोस्तों उनका राष्ट्रीय गान अमास उमार बांग्ला भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है? आपके ऑप्शन से पहला तिल्ली, दूसरा दिमाग, तीसरा जिगर और चौथा अग्नाशय। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने आंसर चूज कर लिए होंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, जिगर यानी लीवर। दोस्तों लीवर जो है वो पुनः विकसित हो सकता है। और दोस्तों लीवर शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। लीवर का वजन लगभग 1.5 से 2 किलो तक होता है। और दोस्तों लीवर में पित्त स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन से पहला छोटी आंत, दूसरा अग्नाशय, तीसरा पेट और चौथा दिल। सभी लोगों ने अपने चूज कर लिए। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अग्नाशय। मानव शरीर के लैंगरहैंस द्वीप के आइलेट अग्नाशय में पाए जाते हैं। लैंगरहैंस की खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने किया था। और दोस्तों इसके जो बीटा कोशिका में इंसुलिन निकलता है, ठीक है, और जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं उनमें ग्लूकोन स्रावित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कार्बन यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? आपके ऑप्शन से पहला कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा सल्फर और चौथा पोटाशियम। दोस्तों काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही समझ में, अगर क्वेश्चन देखें तो आंसर खुद ही समझ आएगा कि कार्बनिक यौगिक में क्या होगा। जरूरी है कि उसमें कार्बन ही होगा। कार्बनिक यौगिक तो कम से कम कार्बन तो होगा ही उसके अंदर। ऐसे भी हम क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। कई क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बट हमारे अगर माइंड हमारा वहाँ नहीं होता है एग्जाम हॉल में, हमें टेंशन होती है अपने एग्जाम को पूरा करने की, कम टाइम में हम हार्ड क्वेश्चन देके अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, तो हमसे इजी क्वेश्चन भी हम क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, उसको हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, फिर गलत कर देते हैं। इसीलिए हमें रिविजन करते रहना चाहिए, हर क्वेश्चन को हमें बार बार पढ़ना चाहिए कि हमें अगर एक बार ही क्वेश्चन है हमें तुरंत उसको टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? आपके ऑप्शन से पहला रूपांतरित चट्टान, दूसरा अवशादी चट्टान, तीसरा आग्नेय चट्टान, चौथा कृत्रिम पत्थर। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर 3 आग्नेय चट्टान। चलिए दोस्तों, आप लोग पता है ग्रेनाइट होता है, और दोस्तों ये ग्रेनाइट का बना ढक्कन का क्षेत्र ढक्कन पठार गेवा निर्मित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पंच कार्ड को डैश भी कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है होली रीत कार्ड, दूसरा वीडियो कार्ड, तीसरा साउंड कार्ड, और चौथा एक्सेलेटर कार्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, होली रीत कार्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। आपके ऑप्शन से पहला खुदीराम बोस, दूसरा रास बिहारी बोस, तीसरा भगत सिंह, चौथा चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों खुद से मौत को गले लगाया था मतलब उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, खुद की हत्या खुद ही कर ली थी। तो दोस्तों ये हैं चंद्रशेखर आजाद जी, जो अंग्रेजों से घिरने के बाद इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। ठीक है दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे, जहां फिरंगी ने उसे मुठभेड़ में अंतिम गोली स्वयं को मार ली थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं। आपके ऑप्शन से पहला टीका, दूसरा बिजली द्वारा प्राणदंड, तीसरा डायलिसिस, और चौथा ओपन हार्ट सर्जरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी लोगों ने अपना चूज कर लिए होंगे। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 टीका। दोस्तों एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की थी। इन्होंने किसकी की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। दोस्तों टीके के द्वारा प्रतिरोध क्षमता शरीर को बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। आपके ऑप्शन है पहला अकबर, दूसरा कृष्ण देव राय, तीसरा राजेंद्र चोला, और चौथा शिवाजी। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी लोगों ने अपने आंसर चूज कर लिए होंगे। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र चोला। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राजा के पास पहली उनकी नौसेना थी। तो दोस्तों इसका भी आंसर, क्योंकि क्वेश्चन घुमा घुमा के बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस उसके पूछने का तरीका बदलाता है। अगर आपका दिमाग वहां पे है, एग्जाम हॉल में है, क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, तो आप घुमाए हुए क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं। दोस्तों भारतीय राजा ने दक्षिण पूर्व के जीतने के लिए उन्होंने नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। भारत के इतिहास में केवल 4 वंश जिनके नौसेना पर अधिक ध्यान दिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है। आपके ऑप्शन है पहला अजरबैजान, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा पाकिस्तान, और चौथा बांग्लादेश। दोस्तों आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान देश एक बंदरगाह विहीन देश है। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश है। इसके पूर्व में मंगोलिया सबसे बड़ा लैंड लॉक देश था, इससे पूर्व में था। ठीक है दोस्तों, और नेपाल भी एक लैंड लॉक देश है। जो देश चारों ओर से स्थल से जुड़ा होता है उसे लैंड लॉक देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकार शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों इसका आंसर तो लगभग लोगों को पता ही होगा। दोस्तों का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके पहले ऑप्शन से पहला उड़ीसा, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा बिहार, और चौथा मध्य प्रदेश। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिहार। दोस्तों मधुबनी चित्रकला प्राचीन काल में चली आ रही है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शनी मधुबनी पेंटिंग की हो रही है। और दोस्तों मधुबनी चित्रकला पर फिल्म और शोध के विदेशी द्वारा किया जा चुका है। ये बहुत ही फेमस चित्रकारी है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवी नॉन पोलर रेगिस्तान कौन सा है। आपके ऑप्शन से पहला कालाहारी, दूसरा गोबी, तीसरा सहारा, और चौथा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने अपने आंसर चूज कर लिए होंगे। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सहारा। अगला क्वेश्चन है टमाटर क्या है। आपके ऑप्शन से पहला सब्जी, दूसरा फल, तीसरा फली, और चौथा खाद्यान्न तना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नहीं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टमाटर एक फल है। टमाटर खाने वाला भाग
फल भित्ति और बीजांडसन है। टमाटर का टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, टमाटर एक फल की कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप के कारण बनती है? आपके ऑप्शन से पहला टिड्डियों के हमले, दूसरा तूफान, तीसरा चंद्रग्रहण और चौथा ज्वालामुखी विस्फोट। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी लोगों ने आंसर चूज कर लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ज्वालामुखी विस्फोट। दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पृथ्वी के गर्भ में हलचल होता है जिसमें गर्भ पदार्थ बाहर निकलते हैं। भूकंप के उद्गम स्थल को केंद्र कहा जाता है। दोस्तों अगर ज्वालामुखी से कोई क्रिया होती है तो वो भूकंप ला सकती है, प्राकृतिक आपदा घट सकती है। अगला क्वेश्चन, सूरज की रोशनी को उसके संगठन रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? आपके ऑप्शन से पहला अपवर्तन, दूसरा परावर्तन, तीसरा प्रत्याकर्षण, चौथा विकिरण। सभी लोगों ने अपने आंसर चूज कर लिए होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रकंद का एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन है पहला गाजर, दूसरा शकरकंद, तीसरा लहसुन, चौथा अदरक। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने अपना चूज कर लिए होंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 अदरक। दोस्तों अदरक प्रकंद का एक उदाहरण है, हल्दी प्रकंद का उदाहरण है। अदरक, हल्दी, शकरकंद, घनकंद आदि भूमिगत तने का उदाहरण होते हैं। ठीक है, इन्हें प्रकंद कहते हैं। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? आपके ऑप्शन से पहला सितारों पर, दूसरा ज्वालामुखी पर, तीसरा प्रकाश की गति पर, चौथा वनस्पति जीवन पर। सभी लोगों ने अपने यहां चूज कर लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सितारों पर। तो चंद्रशेखर जो थे वो भारतीय मूल के अमरीकी के नागरिक थे। चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सीमा को दर्शाया कि कोई तारा की सीमा कितनी होती है, मतलब उनकी एज कितनी होती है, क्योंकि वो कुछ वर्षों के बाद वो खुद ही नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों इस कारण उन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1983 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था उनको। दोस्तों आप लोग बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।